देखो भाई अभी तो मैं नेचुरल चल रहा हूँ, सामान तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा कंपटीशन के लिए। ऐसे ही बॉडी बना ली, कुछ टाइम में निकल लोगे मेरे भाई। हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग? दुआ करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो वीडियो में बात करते हैं फेमस यूट्यूबर रोहित खत्री और फेमस बॉडी बिल्डर नितिन चंदेला की। तो गाइज, रोहित खत्री ने अपने वीडियो के अंदर अनाउंस कर दिया है कि वो एमेच्योर ओलंपिया की तैयारी कर रहे हैं और वो भी गुरुजी यानी मुकेश सिंह गहलोत सर के साथ। रोहित खत्री पहले अंकुर सर के साथ थे और उनके साथ रोहित खत्री ने अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट किया था। तो गाइज, क्या रोहित खत्री मुकेश जी सर के साथ अच्छा पैकेज लेकर आएंगे, वो तो समय पर ही पता चल पाएगा। लेकिन रोहित खत्री एक स्पेशल अपडेट दी है, तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। पहले मेरे को आपको कुछ स्पेशल अपडेट देनी है। अभी जो करंटली मेरी आप बॉडी देख रहे हो वो एक हफ्ते बाद की है। मैंने एक हफ्ते पहले अपनी प्रेप स्टार्ट कर दी थी, उसकी भी वीडियोस मैं अभी डालने वाला हूँ वर्कआउट करते हुए। उस टाइम जो मेरा वेट था वो था 82 kg और अभी जो मेरा वेट है एक हफ्ते बाद वो है 87.5 kg। तो अप्रोक्सीमेटली 5 kg के आसपास मेरा वेट बढ़ गया है। जो मेरी साइकिल थी, मतलब जो सामान मैंने चलाया है, वो आज नहीं एक हफ्ते पहले स्टार्ट हुआ था। तो एक हफ्ते बाद की आप बॉडी देख रहे हो, ये मेरी करंट बॉडी कंडीशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैंने प्रेप स्टार्ट करी, सामान छोड़ने के बाद जब मैंने दोबारा सामान लेना स्टार्ट किया, वो मेरी बॉडी कैसी थी जब मैं मुकेश सर के पास गया था वर्कआउट करने के लिए, ताकि आप लोगों को पता हो कि प्रेप मैंने किस बॉडी से स्टार्ट करी थी। देखो भाई, बोलने में मैं ये भी बोल सकता था कि देखो भाई अभी तो मैं नेचुरल चल रहा हूँ, सामान तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा कॉम्पिटिशन के लिए। पर नहीं भाई, आज तक जब से कॉम्पिटिशन खेलना स्टार्ट किया है हमेशा आप लोगों से ट्रांसपेरेंट रहा हूँ, इसलिए आप लोगों ने इतना प्यार दिया अपने भाई को। तो नेक्स्ट अपडेट फेमस बॉडी बिल्डर नितिन चंदेला की तरफ से आ रही है। तो गाइज, नितिन चंदेला मिस्टर एशिया 2023 के लिए रेडी हो चुके हैं और इसी के साथ नितिन चंदेला ने अपने हेटर्स को रिप्लाई दिया है। तो चलिए वीडियो में देख लेते हैं नितिन चंदेला ने क्या रिप्लाई दिया है। ऐसे ही बॉडी बना ली, कुछ टाइम में निकल लोगे मेरे भाई, ये जुबान बिना हड्डी की है, इसे कैसे चला लो आप। अब कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ काश इंजेक्शन और सप्लीमेंट से बॉडी बन जाती, उबला हुआ खाना और सुबह शाम 2-2 घंटे जिम में ना देने पड़ते तो वो ज़्यादा बेटर होता, कि एक सेटिस्फेक्शन तो रहती कि मनपसंद का खाना खा रहे हैं और आधा पौना घंटा जिम कर रहे हैं। बट पूरा दिन, मतलब 24 के 24 घंटे आपको एक जैसा रूटीन फॉलो करना पड़ता है। 75 डेज जो चैलेंज है वो तो बहुत ही अलग है, उसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, बट इसमें एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। तो बोलने को तो भाई वो बहुत कुछ है, बस अभी बोलेंगे बाद में जब अपना एक अच्छा सा कुछ मेडल आ जाएगा। बाकी ट्राई करेंगे, मेडल आए ना आए वो तो बाद की बात। अपनी तरफ से मैं अपना पूरा 100% देना चाहता हूँ इस बार भी, जैसे लास्ट अपने साउथ एशिया में दिया था। तो गाइज, आप लोग रोहित खत्री और नितिन चंदेला के बारे में क्या कहना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।